Rahman Rahim, student session number 3 at RCI Mansera. I am Professor Nassar with Chemistry in Action. So, abhi hamara topic hai oxidation reduction. So, oxidation kya hoti hai? Oxidation ko a number of ways hai hum define kar sakte hain. Oxidation ke bare mein do concept hain. Ek ko kehte hain classical concept. क्लासिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसको दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. फॉर एग्जांपल, मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको मैं ऑक्सीजन से मिलाता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. यहां क्या हुआ, यहां ऑक्सीजन ऐड हुआ. अगर हम इसे बैलेंस करना चाहें तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी. दूसरा, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब मैं ऑक्सीजन बनाता हूं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. दूसरी डिफिनीशन इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. अब हमारे पास एक कंपाउंड है, लेट्स सपोज हमारे पास अमोनिया है. अमोनिया जब डीकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है. अब एक और कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन का, उसे कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट. तो स्टूडेंट याद रखना, किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना या किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की रेशियो का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है. किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड हो जाना या किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का की रेशियो का बढ़ जाना, हमारे पास ऑक्सीडेशन कहलाता है. ये मेरे पास फेरस क्लोराइड है, इसमें 2 क्लोरीन है, फेरिक क्लोराइड में 3 क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन ऐड हुआ है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. तो किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की रेशियो का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है जी. इसी तरह मेरे पास स्टेनस क्लोराइड है, जब इसको मैं मिलाता हूं क्लोरीन के साथ तो मेरे पास बन जाता है स्टेनिक क्लोराइड. अब यहां पर क्लोरीन 2 है, यहां पर क्लोरीन 4 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हुआ कंपाउंड के अंदर, तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जी. अब देखते हैं, जब किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का कम होना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना, ये भी ऑक्सीडेशन है. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड आर डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे पास कंपाउंड है, उसका नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड. जब इस मर्क्यूरस क्लोराइड से मर्क्यूरिक क्लोराइड बनता है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. यहां पे एक क्लोरीन के लिए एक मर्करी है, यहां पे 2 क्लोरीन के लिए 2 मर्करी है, यहां पे 2 क्लोरीन के लिए एक मर्करी है. यानी इस कंपाउंड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कम हुआ, किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकल जाना, किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की मकदार का कम हो जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है जी. स्टूडेंट, मॉडर्न जो डिफिनीशन है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो ऑक्सीडेशन का क्या है. मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सोडियम है, सोडियम से सोडियम आयन बने, ये ऑक्सीडेशन है जी. मेरे पास फेरस आयन है, फेरस आयन से फेरिक आयन बने, ये ऑक्सीडेशन है जी. मेरे पास क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन से क्लोरीन बने, ये ऑक्सीडेशन है जी. अब किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना भी ऑक्सीडेशन है. यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ये भी ऑक्सीडेशन है.
तो अगर मैं इसकी समरी करूं, छह चीजें, छह बातें आपने याद रखनी है। क्या छह बातें याद रखनी है? ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसके अलावा तमाम कंबस्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन होते हैं जी। इसके अलावा तमाम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तमाम कंबस्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन होते हैं और रस्टिंग ऑफ आयरन भी ऑक्सीडेशन होती है। अगर मैं आपको एक इसके बारे में एमसीक्यूज बताऊं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हमारे पास एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? कॉपर से बना कॉपर आयन, हमारे पास ऑप्शन वन है जी। हमारे पास ऑप्शन टू है, हमारे पास ऑप्शन टू है Na2O से बना NaO। हमारे पास ऑप्शन थ्री है FeCl2 से बना FeCl3। हमारे पास ऑप्शन फोर है ऑल ऑफ दीज। अब स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखें, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे टू है, ऑक्सीडेशन है जी। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसके मकदार कम होना ऑक्सीडेशन है जी। यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ पे तीन क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन है जी। तो बच्चों क्या ऑप्शन बनेगा हमारे पास? ऑल ऑफ दीज। उम्मीद है कि आपको ऑक्सीडेशन समझ आई होगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट आप टॉपिक के साथ हम आएंगे जो होगा रिडक्शन। थैंक यू।